बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 बसंत का अध्याय 7, क्या निराश हुआ जाए। प्रसिद्ध निबंध लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध क्या निराश हुआ जाए में यह समझाने का प्रयास किया है कि भले ही संसार में चारों ओर हिंसा और निराशा का वातावरण है, फिर भी सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा जैसे मानवीय मूल्य आज भी दिखाई देते हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि मनुष्यता अभी भी कायम है। अतः हमें निराशा छोड़कर आशावादी नजरिया अपनाना चाहिए। अब तक इस अध्याय में हमने पढ़ा कि लेखक अखबारों में पढ़ता है कि आजकल बहुत चोरी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की खबरें आने लगी है, और उसके बाद जो तो उसका मन दुखी होता है, उसे लगता है जैसे देश में कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं बचा, जो इतने ऊंचे पद पर है उतना ही दोष दिखाई देता है। भारत आरंभ से ही वह देश रहा जहाँ कभी भौतिक वस्तुओं का संग्रह को अधिक महत्व दिया गया, अभी तो मनुष्य के आंतरिक भावों को भी महत्वपूर्ण समझा गया। प्रत्येक मनुष्य में लोभ और काम क्रोध आदि भाव सामने रहे, इनको पढ़ते पढ़ते हम पाठ का बहुत सारा भाग पढ़ा था। इसमें हम पेज नंबर 38 को पढ़े थे, जिसमें एक दया भावना को लेकर लेखक ने एक अपनी बीती एक कहानी बताई। उस कहानी को हमने पढ़ा था कि अचानक उनकी बस खराब हो जाती है तो लोग ड्राइवर को पीटना चाहते हैं, लेकिन लेखक ने उनको समझाकर ड्राइवर को पीटने से बचाया। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। मैं भी बहुत भयभीत था पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिर जाने का कोई विशेष असर पड़ा नहीं पड़ा। इसी समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पहुंच गए। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई? कैसे कहूं कि लोगों में दया माया रही नहीं गई? जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूं, धोखा भी खाया है, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है। जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढांढस दिया है और हिम्मत बंधाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े तो ऐसे अवसरों पर भी हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। मनुष्य की बनाई विधियां
गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदला होगा, बदलना होगा। वस्तुतः आए दिन इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं है। महान भारतवर्ष को पाने की संभावनाएं बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरे मन निराश होने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने इस अध्याय में देखा कि लेखक ने हमें एक तो उदाहरणों से बताया कि हमारे चारों ओर भले ही हिंसा और निराशा का वातावरण रहा हो, परंतु सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा जैसे मानवीय मूल्य आज भी दिखाई देते हैं, जो ये विश्वास दिलाते हैं कि मनुष्यता अभी भी कायम है। अतः हमें निराशा छोड़कर आशावादी नजरिया रखना चाहिए। अब हमें इस पाठ के अभ्यास कार्य आपके विचार से ये हमें आपको करने हैं नोटबुक में। अब इन प्रश्नों में जो प्रश्न पहला प्रश्न है, उस प्रश्न का उत्तर मैं अभी आपको बता देता हूँ जो आपको करना है। दूसरा प्रश्न जो है, इस प्रश्न में आपको जो उत्तर है वो अपने आप स्वयं से करना है। पहले प्रश्न का उत्तर, पहले प्रश्न पढ़ते हैं फिर उत्तर देखते हैं इसका। लेखक ने स्वीकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोखा दिया है, फिर भी वह निराश नहीं है। आपके विचार से इस बात का क्या कारण हो सकता है? लेखक धोखा खाने के बाद भी इसलिए निराश नहीं है क्योंकि वह जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति है। उसके साथ विश्वासघात बहुत कम हुआ है। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हुई है जब लोगों ने बिना कारण उसकी मदद की। यह प्रश्न एक का उत्तर था। प्रश्न दो है, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और टेलीविजन पर आपने ऐसी अनेक घटनाएं देखी सुनी होगी जिनमें लोगों ने बिना किसी लालच के दूसरों की सहायता की हो या ईमानदारी से काम किया। ऐसे समाचार तथा लेख एकत्रित करें और कम से कम दो घटनाओं पर अपनी टिप्पणी लिखें। इसका उत्तर आपको स्वयं को करना है। प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है। आपने अगर ऐसा कुछ देखा है तो आपको इन प्रश्नों का उत्तर करना है। ये दो प्रश्न आपको अपने नोटबुक में इस अध्याय से करने हैं। अब हम नए अध्याय के साथ अगली ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।